आज की ताजा खबर चलिए बताती हैं क्या है आज की ताजा खबर। चलिए देखिए क्या हो गया है। क्या हुआ है खुशी? पैर में प्लास्टर। क्या कर रही थी तू? मैं गिर गई आसमान जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो जैसे कि आपने देख चुके हो कि खुशी दीदी का पैर फ्रैक्चर हो चुका है, तो अब काफी सारा काम मुझे अकेले को मैनेज करना है। वीडियो शूटिंग भी, व्लॉग्स भी, एडिटिंग बंदी कर लेगी बैठे बैठे। तो चलते हैं खुशी के पास। मेरी सेवा भी करेगी अब दीदी, करनी ही पड़ेगी, और ऑप्शन नहीं है। बड़ी बहन वैसे भी माउथ ही है। अब देखो यार, इसने हमने टांगे तुड़वा ली। कोई शौक नहीं चला, मैं गिर गई। ये गिर गई, मेरा सारा बैंड बजा दिया। अब मुझे वीडियोस भी बनानी होंगी। आपकी बर्बाद हो गया सीरियसली। सारा काम अकेले को मैनेज करना बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, उसके दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा है। सो आप देख सक रहे हो मैंने बहुत ही प्रीटी सा सूट वेयर कर रखा है। तो आते ही मैंने अपना कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने कितने सारे मेरे पैकेजेस आए हुए थे, तो उनको काम तो करना पड़ेगा। तो बस एक डेढ़ घंटा हमने रेस्ट किया, रेस्ट करके हम थोड़ा खुशी के लिए सेवा हुआ कि फिर सारे जो लगे थे उन सबका हमने अनबॉक्सिंग की, सारे सामान अपने अपने जगह पे रखे। जीजू रेस्ट कर रहे हैं, हेमंत की भी थोड़ी तबीयत खराब है, उसको भी इंजेक्शन लगी है अभी, वो भी खांसी हो रही है उसको भी बहुत ज्यादा, तो फीवर हो रहा है उसको भी, तो सबकी तबीयत बैंड बजी पड़ी है। तो बस अब मैंने शूट कर चुकी हूँ, अब मैं नाइट सूट पहन के आऊंगी, फिर चलते हैं किचन में, फिर थोड़ी देर थोड़ा सा काम करेंगे, बातें करेंगे। पहले थोड़ा सा खुशी के साथ ही बातें कर लेते हैं ना। चलिए तो खुशी दीदी कुछ बोलो। बोलने लायक ही नहीं हूँ मैं तो। क्यों भाई? मेरे बहुत ज्यादा पैर दर्द कर रहे हैं। हाँ यार देखो इसके मुंह देखो कितना कैसे हो गया मेरे चुटकी सा। प्लीज मेरी YouTube फैमिली जल्दी जल्दी प्रे करो कि आपकी खुशी दीदी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और मेरे वीडियोस में मेरी हेल्प करे। मैं भी थक गई इधर बैठ। नहीं ये देखो इस पैर में भी बहुत ज्यादा लगी थी, इस वाले पैर में भी बहुत ज्यादा लगी थी, और ये तो जयराम जी की हो गया ये तो। तो अब खुशी को भी डॉक्टर ने बहुत ज्यादा रेस्ट का बोला है, एटलीस्ट 15 से 20 डेज का प्रॉपरली। तो बस अब खुशी का भी काम, उधर हेमंत का भी तबीयत सही नहीं है, इधर मैं घूम के आई हूं तो मेरा भी इतना सारा काम आ गया, अब कैसे मैनेज करूं? कोई बात नहीं, एक बात बताऊं तो एक लेडी हर चीज मैनेज कर सकती है, एवरीथिंग पॉसिबल। बाकी कोई मैनेज करे ना करे मेरी दीदी जरूर मैनेज कर लेगी। लव यू। बस यही जो भरोसा है ना मेरी फैमिली का, खुशी का, हेमंत का, हेमंत के पापा का, कि मेरी सहिता कर लेगी, और मेरी YouTube फैमिली का, तो डेफिनेटली मैं कर लूंगी, करना ही होगा। कर लेगी, कोई टेंशन नहीं है आपको, बस चकाचक वीडियो भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं कल किसी को बुलाऊंगी जो मेरे वीडियोज में थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि नीचे जो मैं रोड पे जाके जो मैं वीडियो शूट करती हूँ उनके लिए तो मुझे कोई ना कोई चाहिए, इसको लेके तो मैं नीचे कैसे जाऊं अब। तो बस, और जो घर वाले हैं वो सारी ऐसी बैठी बैठी लंगड़ी लंगड़ी मेरे वीडियो शूट कर देगी, बिकॉज एक बात बताऊं तो मैं किसी और कैमरामैन से सेटिस्फाई नहीं होती बिल्कुल भी, मुझे इसके वीडियो से ही मैं सेटिस्फाई होती हूँ। जब तक ये वीडियोस नहीं बनाती ना तब तक मुझे लगता है मेरा कुछ अधूरा है, और मैं जब तक इनके वीडियो नहीं बनाती मुझे लगता है दिन भर में किया ही क्या, टाइम पास कर रही हूं। तो चलिए अब हम बनाते हैं खुशी के लिए मस्त आलू की सब्जी, और इसको भूख लगी है तो दाल चावल और आलू की सब्जी लेके आते हैं। वैसे दाल चावल बन गया है, हेमंत को खाना खिला दिया है, लाला भी मेरा सो चुका है क्योंकि लाला भी दिन भर का थका हुआ आया था। तो बस मेरे फेस को देख रहे हो ना कितनी चमक है, और मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, दिन भर में मैंने सेकंड के लिए भी आंख नहीं मीची है, सेकंड के लिए भी। तो बस जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करके फिर सोएंगे। तो चलते हैं हम किचन में। मैं किचन में आ चुकी हूँ, कढ़ाई चढ़ा चुके हैं हम, कढ़ाई भी गर्म हो गई है, तेल भी डाल चुके हैं। मनोज भी आओ, हेलो करो, कितने दिन बाद आए, हेलो करो। सो मनोज भी हमारे बिना मन लग गया आपका? मन लग गया, चार बार फोन किया मुझे, भाभी जी कब आओगे, भाभी जी कब आओगे।
मनोज भी अब बोर हो गए पूरे। मनोज भी कपड़ा कपड़ा दे दो। तो मनोज मैंने दाल चावल तो बना लिए हैं, बस आलू का भजिया बनाना है खुशी दीदी के लिए और सबके लिए। हेमंत की जैसे आपको बता ही दिया, हेमंत की तबीयत सही नहीं है और हेमंत इधर आओ हेमंत। तो मिलाते हैं हेमंत से, इंजेक्शन लगा। हाँ हेमंत को इंजेक्शन भी लगाया, हेमंत को भी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है मेरे बच्चे की। जाओ खाना कुछ सोचो, रेस्ट करो। उसको भी सर्दी जुकाम बुखार हो गया है, एक बार का वेदर चेंज हो रहा है तो सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। तो बस अब फटाफट हम बना लेते हैं आलू की सब्जी। दाल चावल बना है हमारा, तो बस आलू की सब्जी बन जाएगी, तब फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी आलू की सब्जी, आलू का भजिया जो भी मानो, ये खुशी के बहुत ज्यादा फेवरेट है, इवन मेरे भी फेवरेट है। मुझे भी दाल चावल के साथ ही आलू के भजिए ही पसंद है। वो बन गए हैं, इधर मैंने दाल भी चढ़ा दी है गरम होने वापस, ताकि उसको गरम गरम आराम से वो खा पाए। मनोज जो पापड़ दे दो, पापड़ भी सेक लेती हूँ। यहाँ पे गैस ऑन कर लिए हैं और हम सेक रहे हैं पापड़। जिनको भी नहीं आता है वो भी सीख लो, मेरी तो आदत है भाई। हमारे यहाँ तो दाल चावल बने और पापड़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दाल चावल क्या किसी भी खाने में, क्योंकि मारवाड़ी लोग पापड़ ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आपको पता है हमारे यहाँ एक मतलब एक वो बोला जाता है कि जब भी कोई लड़की देखने जाओ ना, पुराने जमाने के जो थे ना, वो प्रॉपरली ये करते कि लड़की से है ना पापड़ सिखवाते और देखते कि उनका अगर पापड़ प्रॉपरली सीख रहा है ना, तो हाँ वो लड़की फिर काम में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो उस अकॉर्डिंग होता था। अब आप लोग मुझे मत जज कर लेना कि भाई दीदी कैसे पापड़ सेक रही है, दीदी टैलेंटेड है कि नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको, टेंशन रखो। ये सीख गया है खुशी दीदी के लिए पापड़ और वो बन गई है सब्जी। दाल गरम हो चुके हैं, चलिए मैडम को खाना देते हैं, क्योंकि आज उसकी थोड़ी पैरों में पेन भी है और उसका मूड भी ऑफ है, क्योंकि वो चल फिर नहीं पा रही है ना, इसलिए बाप बेटे के पास। वो शायद उनको दवाई दे रहे हैं। दवाई दे ली, ले ली है उन्होंने दवाई। हाँ हाँ, आज मेरा बच्चे का भी तबीयत सही नहीं है। आप क्या करेंगे जेठो जी? हेमंत हम यहाँ निकले थे उधर इंदौर से, तो अभी तक नहीं है। हाँ तो अभी आज ही पहुंची है बेटा, अब तो दो तीन दिन तो टाइम लगेगी ना ठीक होने में। अब आप सो जाओ। हाँ टेम्परेचर चेंज हुआ है ना, सो जाओ बेटा सो जाओ। आज मेरे लाले की भी तबीयत सही नहीं है। इंजेक्शन लगे, इंजेक्शन कहाँ लगे दिखा? देखो यहाँ पे इंजेक्शन लगी है मेरे नन्हे से बच्चे की। गेट वेल सून मेरा बच्चा। हाँ मैंने दिखा दिया, अब सो जाओ, आइज क्लोज करो। मेरे लाला जी भी सो गए हैं, पर्दा नहीं हटाऊंगी क्योंकि वो सो चुके हैं और अपने न्यू बेड में सोए हैं। कितने सुंदर सा बेड है ना ये, सो चुके हैं वो भी। उनकी तरफ से भी आप सबको गुड नाइट। खाना लाने से पहले सारी चीजें सेटअप करनी होंगी, पाटा लाना होगा। ये देखो कितनी मुश्किल से बैठना पड़ रहा है ना, कितनी तकलीफ हो रही है उसको। अब हम लेके आते हैं खाना। हो गया है खुशी दीदी का रेडी, चलिए खुशी दीदी के पास चलते हैं। ये लग गया है पाटा। अब खुशी दीदी को खाना खिलाऊं? खुशी नहीं नहीं मैं खा लूंगी खाना तो। और खा के बताना जरूर कि कैसा बना है भजिया आलू का। ओहो कैसा बना है, खा के बता। तो जस्ट निकाल के लेके आई हूँ मैं, मैंने बनाया तेरे लिए स्पेशली। तुझे बहुत पसंद है ना मेरे हाथ के आलू के भजिए, टेस्टी बन गया। लव यू, आई लव यू। खाना खा ले, खाना खा ले। सो घर पे सबने खाना खा लिया है, मैंने भी खाना खा लिया है। आपने देखे हो कि आज खुशी मेरी कोई हेल्प नहीं कर पा रही है, सारा काम मैंने किया है। वीडियो शूट भी एक छोटी सी गुड़िया को बुला के हमने शूट करवाया है, पता नहीं वीडियोस कैसे आ रहे होंगे। बट आई विश कि, और आप सब भी ये विश करो कि खुशी जल्दी से ठीक हो जाए और मेरे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वीडियोस खुद को बनाना, किचन का भी फिर ब्लॉग भी, सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही है मेरे लिए। आपके आपको मेरे फेस से लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपको हम। बाय बाय, गुड नाइट। सो जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर जरूर कर देना।